चलो बुलाओ बाहर से फौज को, उसको मार मार के दो टुकड़े करो उसके तेज एक साथ में। बॉल काट दू क्या, दो टुकड़े करूं? हाँ काटू क्या, लू दो टुकड़े करके? लगा ले पूरी ताकत लगा, जलाओ उसको तेजी से। चल कहां से आया था? शमशान से, कब्रिस्तान से। नहीं छोड़ते थे, पूरा जला देंगे, पूरा जला के राख करते थे। अभी बाप का तेरे रात चल रहा वैसा। अरे बाप रे। कब मारने वाला था इसको? अरे छोड़। कब मारने वाला था? जल गए, पूरा जला दूंगा। जकड़ लो कुत्ते से, जकड़ लो उसको और तेज से। मम्मी काट दूं दोनों हाथा? काट दूं? काट दूं क्या? नहीं। कहाँ से आया था? नहीं, माइके की तरफ से, ससुराल की तरफ से। नहीं बोलूंगी। नहीं औरत आदमी है। अरे छोड़ दो मेरे, औरत आदमी है। जलाओ उसको तेज, जलाओ, मारो कमबख्त नहीं को और तेज से। अरे छोड़। क्या लेके गई थी जादू करते टाइम पे इसका? छोड़ बड़ी, मैं तेरे को छोड़। क्या लेके गई थी बच्ची का? नहीं बोलूंगी। झगड़ लो उसको और तेज से। छोड़। जब तक नहीं बोलेंगे जब तक नहीं छोड़ते तुझे, जब तक नहीं बोलेंगे जब तक नहीं छोड़ते। और तेज से। हाँ बोल। नहीं। कौन है? इसके माँ के तरफ की, बाप के तरफ की, ससुराल की है, किधर की रिश्तेदार है? और बच्ची ने क्या बिगाड़ी थी तेरा ऐसा, जो इतने जादू टोने करके उसके आंख में बिठा दिए घुसा के? तो क्या दुश्मनी थी तेरी उसके? जलाओ इसके हाथों में और तेजी से। अरे छोड़ दो मेरे, जलाओ तेजी से। हाँ जलाओ, जलाओ और तेज से। हाँ बोल, कौन कसम डाला नाम मत बोल बोल के। काट देते अब हम तेरे दोनों हाथा। अगर बच के जाना है तो सही सही बता नाम, कौन डाले थे, कहाँ से लाए थे, क्यों जादू करे थे, कब इसको मारने आले है, कितने लोग मिले आले है, काय में मिला के खिलाए थे? अरे रुक, नहीं बोलती, लगाऊं भड़कों तेज से आग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जलाओ उसके पेट में से, तेज से आग लगाओ। चल अब तेरे दोनों हाथ काट दूंगा, काट लू क्या, कैसा छोड़ेंगे तुझे अब जब तक तू नाम नहीं बोलेंगे तो। हाँ चल बता जल्दी से नाम। कहाँ से? शमशान से, कब्रिस्तान से। कहाँ से किए थे जादू ये? कहाँ से? अरे नहीं बोलूंगी, कहाँ से? नहीं बोलूंगी, बोलना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो काट के भस्म कर देते पूरा। क्या कर रहे हो? तो काट उसको तेज से। अरे छोड़, हाथ छोड़, हाथ छोड़। कहाँ से लाए थे? नहीं बोलने का। कौन है तू? उसकी रिश्तेदार? नहीं, माँ की रिश्तेदार है, बाप की रिश्तेदार है उसके? हाँ नहीं बोलूंगी बड़ी ना मैं। ससुराल की है, कहाँ की है, कमबख्त? नहीं बोलने का। जलाओ उसको तेज से। जला, कितना जलाता तो? काट देंगे तुझे, जला जला। हाथ छोड़ मेरे। अरे बाप रे, हाथ छोड़। जकड़ लो उसके हाथों को तेज, एक साथ में जकड़ो। रात चल रहा क्या छोड़ने को? हाँ कब से उसके आंख में बैठे आलिए? नहीं बोलूंगी। क्या दुश्मनी उसकी तेरी? तेरे बच्चे मारी? नहीं मारी। तेरे घर पे कब्जा करी? नहीं करी। तेरा खजाना निकाली? नहीं करी, कुछ नहीं करी। फिर मैं सताऊंगी। क्यों सताऊंगी? क्यों सताऊंगी? मैं हमेशा सताऊंगी उसको। तेरे बाप की रिश्तेदार है, उन्हें सताने को उसको? क्यों क्यों सतारी? अरे छोड़। उसके मरद को भी सतारी क्या? नहीं। बच्चों को? नहीं। ससुराल में किसको? उसके? नहीं। मायके में? नहीं। बाप को, भाइयों को, बहनों को? नहीं। इससे क्या दुश्मनी है? अरे छोड़।
छोड़ो। क्या दुश्मनी है? नहीं बोलने, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। आप तो फिर मर, मारो उसको तेजी से मारो। बुलाओ बाहर से और फौज को, और उसके हाथों को जकड़ के काट के ले लो, और उसके बच्चों को भी मारो जाके कहां उसके बच्चे ढूंढ के निकाल के, उसके बच्चों को नदी में डालो पकड़ के। और क्या करता तो कर, छोड़, हाथ छोड़ खाली तू। नहीं छोड़ तो जकड़ लो उसको और तेज से। हाँ आया याद? नहीं आया। लगा और जोर से, पूरी ताकत लगा और जोर से। अब अम्मा अब्बा याद आ रहे, अब नालायक। हाँ नहीं बोलूंगी। कौन है तू? अरे छोड़ो। कौन है तू? नहीं बोलूं। नहीं बोलेगी फिर मारो इसका और मारो। याद आगा? बोल दे सही से कौन है तू, बोल दे। उठा किसका फोन है? लेकर गई थी जादू चलाते टाइम पे, क्या ली थी? हाँ क्या? नहीं बोलने का, मेरे को नहीं बोलने का। कौन कसम डाला नहीं बोल बोल के? हाँ उसने बोली। ऐसा बोली तुझे? नाम मत बोल बोल के। ओ बोल। तो किधर की है वो? इसके ससुराल की है, मायके की है? ससुराल की है, ससुराल की है। छोड़ छोड़ जल्दी जा, बोली ना। अच्छा, तो तुझे अच्छा। कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से, कहाँ से? अरे झूठ नहीं बोलती मैं अभी। हो तो क्या बोल, तो दी टूट गए पूरे कसम। बोल पूरा, नहीं बोलने का। पूरा बोल। कहाँ से? नहीं बोलने का। अरे नहीं बोलने का बोल रही ना मैं। अरे छोड़ तू, हाथ छोड़ खाली। देख इतनी मार तुझे पड़ी कभी? 6 साल में, 6 साल से उसको परेशान कर रही थी ना तू, कभी पड़ी तुझे मार? यहाँ इतनी मार पड़ती है अल्लाह के कलाम की ताकत है। छोड़ ना तू, कुत्ते का मीना। बाप है तेरा नाला, गालियां तो बोला उसने, बेअदबी करती, काट दो उसके हाथ, ज़बान सब काटो तेज एक साथ में जकड़ के। अरे छोड़, अरे बाप रे, गालियां दे दी, जकड़ो उसको और तेज से काटो उसके हाथों को, तेज से काटो, जकड़ो उसको तेज से। अरे बोलती मैं छोड़। दे गालिया, गालिया दे, झगड़ लो उसके हाथों को तेज से, आग लगा दो अंदर। हाँ देगी गालिया दोबारा? नहीं देती, ऐसा डरनी साली। मारो उसको और मारो, आग लगाओ उसके अंदर। हाँ बोल। शमशान से, कब्रिस्तान से, शमशान से। कितने साल पहले? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? शमशान से, कब्रिस्तान से। शमशान घाट की चिरौनी नाला। गालियां देती, जबान काटने की तैयारी करो। हाँ कितने जनों लाए थे? कितने जनों? 1 है 2 है 4 है, कितने लोग मिले आले? उसके साथ और कौन मिले आला है? हाँ क्या लेके गई थी उन्हें शमशान को? जादूगर को क्या दी थी? जाके कपड़ा, मट्टी, बाल, चप्पल, पैर के क्या क्या दी? निशान क्या दी? चलाओ चलाओ चलाओ। हाँ हाँ अब अम्मा याद आ रही है। वक्त नहीं। हाँ नाला, क्या लेकर गई थी उन्होंने? कौन है वो औरत? कौन है वो औरत? क्या नाम है उसका? जाए कहे में मिला के खिलाई उन्होंने?
अंडे में किला, मच्छी में किला, मुर्गी में किला, तीन चीजों ने सब किला। अच्छा कब खिलाई थी सबसे पहले, कब खिलाई थी? रमजान के पहले खिलाई। अच्छा इसकी शादी के टाइम पे खिलाई थी क्या? नहीं, शादी के बाद खिलाई। शादी के बाद में खिलाई। शादी के कितने दिन बाद? कितने दिन बाद? अच्छा इसका जादू चलाते टाइम क्या लेके गई थी इसका उन्हें? इसका क्या नाम है? रोहिणा। रोहिणा का क्या लेके गई थी जादू चलाते टाइम पे? सिर के माला लेके गई थी। कहाँ मिले थे उसको वो? उसने रखे थे। कहाँ पे? खिड़की में रखे थे उसने। उसने खिड़की में माला रखी थी उसने, ले गई। आप छोड़, मैंने बोली आप मेरे को छोड़। अच्छा तू इसको क्या तकलीफ दे रही थी अंदर बैठ के? बहुत बुरी तकलीफ। क्या देती थी? कैसा मारने आई थी? क्या क्या तकलीफा दे के मारने आई थी? हाँ बोल, कैसा मारने आई थी? हाँ बोल, कैसा मारने आई थी इसको? हाँ कैसा मारने आई थी उसको, जल्दी बोल। इसको बीमारी बदल के रोहिणा को एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के कैसा मारने आई थी? उल्टी पे। कहीं पे? उल्टी पे, उल्टी करा करा के मारने वाली थी मैं इसको। कुछ भी खिला के उल्टा उल्टा वहां से कुछ भी चाहिए तो उसने उल्टा दिन रात करना, दिन रात तकलीफ रहना करके उसने खिलाई मेरे को। कितने दिन से उल्टा करा रही थी तुझको? कितने साल से करा रही थी? दो साल पूरे हुए, दो साल। अच्छा इसको कितना टाइम बचा था अब जान से मारने को रोहिणा को? एक साल ही बचा था। अच्छा फिर मार देने वाले थे डायरेक्ट? अच्छा इसके मर्द को, उसको दूसरे बच्चों को कुछ करे क्या? दुश्मनी क्या थी इसपे जादू करने की? दुश्मनी क्या थी? इसने घर ली थी, इसने घर ली थी। हाँ इसने घर ली थी इसको। हाँ अच्छा ना कर रहा था उसको, उसे ऐसा करे उसको, जकड़ लो उसको और तेज एक साथ में। हरम मास पूनम जादू अभी चालू है कि जादू रुक गया है अभी? हरम मास पूनम को आरा मार रहे हैं सब मिलके। रोज है, रोज रोज कर रहे हैं। उसके साथ में और कितने लोग मिले आले हैं? तीन जाने हैं वो। कौन कौन? एक उसकी माँ। हाँ एक उसकी बेटी है, एक हाँ। करने वाली तीन है। करने वाली कहाँ की है वो? केज की है वो। कहाँ की है? केज की है। अच्छा वो जादूगरनी है कि जादूगर है वो? औरत है, आदमी है? हाँ क्या नाम है उसका? नाम नहीं बोली उसने। हाँ नाम नहीं बोली। कहाँ रहती वो जादूगरनी? केज में। हाँ केज में, केज। हाँ अच्छा और क्या बोलते तो वो जादूगरनी को कितने पैसे दिए थे? कम दिए, ज्यादा दिए? कितना पैसा दिए? जोर से बोल कितना? बीस लिए, बीस हजार, बीस हजार, तीस लिए बोले। कुछ करूँ ना कोई, इसको ज्यादा से ज्यादा दिन रात तड़पो, दिन रात तड़पो। अच्छा फिर मार देने वाले थे इसको? चलो जकड़ के रखो उसको और तेज से। कौन है तुम्हारे? कितने साल से तबीयत खराब थी इनकी? जोर से बोलो। दो साल। क्या होता था इनको प्रॉब्लम? उल्टी थी, आंग में आता था, आंग में हाजिर होता था। हाँ। तो आंग में हाजिर होने पर सवाल जवाब कुछ होते थे? हाँ। सवाल जवाब बोलती थी ना, कौन डाला क्या डाला, कितना बोलती। और कितने बार आके मुद्दत पे? छह महीने की मुद्दत पे कर दी। कितनी मुद्दत बची रे फाइनल अभी उसको मारने की? हाँ कितना? एक साल। कौन सा महीना था? साल का कौन सा महीना है बता? अगला महीना कौन सा है वो बोल जल्दी। कौन सा महीना? मैं बोल लूंगी। आने वाला कौन सा महीना? ऐसा झूठी बात नहीं बोलने का मेरे को। आने वाला कौन सा महीना? आने तो पूरा भी मार मार के खत्म कर दूंगा। ठीक है जलाओ उसको, तेज जलाओ, बता जल्दी।
कौन सा महीना? हाँ लार कैमरा में से कहा बोल जल्दी, कौन सा महीना, कौन सा महीना है वो, कौन सा महीना? नहीं बोलती। आने वाले साल का कौन सा महीना? जनवरी। मैं बोलूंगी आप में। कौन सा? अरे छोड़ना, नहीं कौन सा महीना, कौन सा महीना? बोलने का बोली उसने। सही बोल, चलाओ चलाओ चलाओ। नहीं बोलने का बोली उसने। अरे नहीं बोलने की वजह से तू मार मत खाऊ, तुझे बहुत मार पड़ रही। उन्हें सुकून में बैठी थी, मार खाने लगा रही उन्हें। तू उसकी नौकर है क्या? मार खाने को इतना कम बखत नहीं। हाँ बोल जल्दी। नहीं बोलने का बोली। हाँ ठीक है, जलाओ इसको तेज से जलाओ। अरे नहीं बोलने, अरे बोली बोलती। हाँ बोल, कौन सा महीना है वो, अगले साल का कौन सा महीना है वो? रमजान के बाद का दूसरा महीना। कौन सा नाम? नहीं बोलने का ना। रमजान के बाद के दूसरे महीने मार देने वाली है। हाँ आने वाले। ठीक है चलो, इसको बन के डाल दो इसको ना, और इसके साथ वारा वार ताकत शक्ति हमकते जो भी है सब कुछ जला जला के राख करने की तैयारी करो। तेज एक साथ में सुधारे हो करना, हमला करना, वो सब जल के देगा। अभी वो जो गड़े वाले शमशानों में चीजा वो सब निकल के जल के रखूंगे। और राख करो ये सब मारो, और पूरी मुद्दत तोड़ने की तैयारी करो उसकी तेज एक साथ में। पानी डालो। जला जला के सब मार के खत्म करो और उसको जंजीरें डाल के बंद के डालो उसको और सारे उसकी जो मुद्दत बनी आ ली वो मुद्दत की चीजों को सब कुछ झगड़ में लो और झगड़ में लेके जला के राख करने की तैयारी करो उतार के साथ में सारी मुद्दत तोड़ने की तैयारी करो आज रात 12 बजे के बाद से फौरी सब हमला कराओ। क्या नाम इनका? रोहिना। रोहिना भी पानी पियो। खैर अमल करो, जल के रखूंगा थोड़ी बस मुकाने से थोड़ी देर तक। चलो और ऑटोमेटिक बाद में जुलावा उनके दवाओं सब निकल गएंगी। उसको भी बोल रही थी या तो बीमारी लगा के मारने वास्ते करे वाला है क्या 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 दास्तान, वो क्या नाम निकले क्या है मेरे मालूम नहीं। तुम्हारा तुम देखो कौन है रिश्तेदार, क्या नाम निकले तो इसी बात है। खैर कैमरा इधर मार रहे, कैसी पीछे जा थोड़ा, कैसी बात रहती है ये सब, ऐसे दास्तान नहीं करना, बहुत गलत और बेबुनियाद बातें। क्या बोलना तुम्हारे को, बोल बोल के तो तुम्हारे लोगों को शर्म आना, कितना बोलूं मैं, क्या बोलूं, क्या दास्तान बयान करूं, क्या बोलना, कैसा रहता है। एक बात याद रखना हमेशा के वास्ते इंसान ने, कि दूसरों का बुरा जीतेंगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा, तुम्हारे औलादों का बुरा होगा। और कैसा रहता है, नस देख के नस्तर मारे जाती, तुम्हारे कैसा है नस देख के नस्तर मारे जाती। अगर तुम ऐसे हरकतें करके एक दूसरे को परेशान करेंगे तो तुमको तकलीफ नहीं मिलेगी, तुम्हारे नस्ल को तकलीफ मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को तकलीफ मिलेगी। ये कुदरत का निजाम है, दूसरों के वास्ते खड्डा खोदते तो खुद को भी गिरना पड़ता खड्डे में, तो इसलिए ऐसे हरकत नहीं करना। और हर इंसान ने दुआ हर चीज़ की याद करना, दुआ मोमिन का हथियार है, हर चीज़ की दुआ है, खाने की, चलने की, फिरने की, उठने की, बैठने की। खाना खाने से पहले दुआ पढ़ के खाना, घर से बाहर निकलने से पहले दुआ पढ़ के निकलना, सब ये हादसों से बलाओं से ये सब चीज़ों से तुम महफूज रहेंगे। और अल्लाह की पनाह मांगो ये सब चीज़ों से, अल्लाह की पनाह मांगो। बड़े बड़े बातें मत करो, हम पे जादू चलेंगे नहीं सकता, यूं जादू किन के ऊपर नहीं चला, जरा पढ़ लो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सहारे काली हबशी औरत ने जादू चलाई थी, जिब्रील अमीन आए। जादू की तो इतनी औकात नहीं है कि अल्लाह के नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू चल सके, मगर वो दुनिया को बताने के लिए था। आज लोग सरकार पे जादू चलने की बात तो बोलते हैं, हम पे नहीं चलता, हम नहीं मानते बातों को, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मानते थे अगर सरकार का वाकया बयान नहीं होता था दुनिया के सामने। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू चलाया गया, आपके जुल्फे मुबारक ले जाकर एक सूखे कुएं के अंदर नीचे पत्थर के नीचे गुड़िया बनाकर उसने गाड़ दी थी। जिब्रील अमीन आए आपको कुएं के पास ले गए, वहां से जिब्रील अमीन अंदर गए
बहुत ही गहरा कुआ था, उसके अंदर एक पत्थर था, पत्थर के नीचे गुड़िया थी। आपने जिब्रील अमीन के ऊपर है ना उड़ते गए नीचे, नीचे से फिर लेकर आए, लेकर आने के बाद में पेश करे आपके सामने उसे बताए, और वो हबशी औरत ने की थी वो सारी दास्तान। उस वाकई में पढ़ लो आपको पता चल जाएगा हदीस में। जब कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक का सूरा नाजिल हुआ, ये चारों कुल में से कुल अऊज़ बिरब्बिल फलक का सूरा जब नाजिल हुआ किस लिए, कि सहर काटने के लिए। तो चारों कुल और आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद में सात सात बार पढ़ने का मामूल बनाओ ताकि तुम सहर जादू से ये चीज़ों से महफूज रह सके। जबान में भी तो तासीर होना तो तुम लोग महफूज रहेंगे। जबान में तासीर कब पैदा होगा, जब तुम बार 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 वो चीज़ को पढ़ेंगे और दिल में किसी चीज़ का बोझ नहीं रखेंगे, चुगलियाँ गीबत नहीं करेंगे जबान से किसी की, तो ये तुम्हारा एक मामूल बनेगा। अच्छा नेक बहुत मामूल घर का बनाएंगे और खुद को भी उसमें ढालेंगे तो जब तुम्हारे जबानों में तासीर पैदा होगा, और जब तासीर पैदा होगा तो फिर तुम पर ये सब चीजों से तुम महफूज रहेंगे। और अगर तुम ना मांगे सीख तो मांगे दर दर भीख, जो ना मांगे सीख वो मांगे दर दर भीख। फिर क्या है, फिरों पे दरों पे किसके भी जाके और गैरुल्लाहों के दरों पे जाना सख्त मना है, जादूगर के पास जाना सख्त मना है। जो जादूगर के पास गया वो हमें से नहीं, वो हमें से नहीं, अल्लाह वालों के पास जाओ, बुजुर्गाने दीन के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हारा ईमान ताजा हो जाता। हदीस में भी बता दिया अल्लाह है कि इबादत तुम करो बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह वालों की सोबत में, अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा बैठना, एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत के बराबर है। है ये अल्लाह वाले, ये बुजुर्गाने दीन है, ये वली अल्लाह है, इनके सोहबत में तुम अगर बैठेंगे, इनके पास में जाके बैठेंगे, तुम एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत के बराबर है। तो कहाँ शिर्क होता जाना, जाना शिर्क वहां अल्लाह वालों के पास नहीं होता, अल्लाह वालों के पास जाने से 60 साल की इबादत का सवाब मिल जाता है झटके में। तो यही तो चलती यहूद और नसारा की, कि तुम्हारे को अल्लाह वालों के करीब से दूर हटा दे, करीब ना जाने दे, क्योंकि तुम अल्लाह वालों के करीब जाएंगे तो फिर तुम तो बहुत होगे, फिर दुनिया में तुम्हारा सिक्का चलेगा। मुट्ठी भर के थे पहले पूरी दुनिया पे सिक्का चलाते थे ना, क्यों चलाते थे, अल्लाह वालों की सोबत में बैठ के। वो सब पढ़ो, तारीख पढ़ो, सब समझ में आता, समझ के पढ़ो। तोते के वसा मत रटो, तोता बोलता मिट्टू बेटे पप्पी दे, मगर उसको इतने मालूम खुद का खुद को बोल रहा हो, तो वैसा रटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तफसीरों में जाके पढ़ो, उसके खुलासे पढ़ो, तशरिया पढ़ो, तो तुमको सब समझ में आएगा क्या दास्तान है, कैसे कैसे मसले, कैसे कैसे बातें हैं। तो ये सब चीजों से महफूज रहेंगे। और बुजुर्गाने दीन के पास जाना शिर्क नहीं है, शिर्क है चर्चों में, मंदिरों पे, गैरुल्लाह के पत्थरों के पास जाके मांगना, वो शिर्क है। बुजुर्गाने दीन के पास अल्लाह की रहमत बरसती है, और बता दिया अल्लाह हदीस में पढ़ो, अल्लाह वालों के पास बैठना एक लम्हा 60 साल की इबादत का सवाब है। तो ऐसी बातें हैं, ये सब बातें जहन नशीन करो जगह जगह, और हर हर दो कदम पे तुम्हारा 10 बहकाने वाले मिलेंगे, दीन से गुमराह करने वाले 10 मिलेंगे, फिर सब में तुम्हारा बांटने वाले 10 मिलेंगे, हर दो कदम पे, हर 4 कदम पे, क्योंकि शैतान के साथ यहाँ आखिरी जमाना बहुत संभल के चलो, खुद पढ़ो, खुद इल्म हासिल करो। आज ऐसा दौर हो गया मोबाइल में हर चीज की फैसिलिटी है, तुम खुद अगर पढ़ेंगे, खुद हासिल करेंगे इल्म, तो तुम्हारा कोई बहका नहीं सकेगा। मुस्लिम शरीफ पढ़ो, तिर्मिज़ी पढ़ो, दाऊद पढ़ो, उसके बाद में नुज़्ज़तुल ख़ारी शर्रा सैयद बुखारी पढ़ो, बुखारी शरीफ पढ़ो, हमारे तफसीर कुरान पढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो, तुमको सब बातों का मजमुआ समझ में आएगा बाद में। तुमको सब लास्ट में तुम पढ़ेंगे तो तुमको कोई बहका नहीं सकेगा, तुम आपको उल्लू बना नहीं सकेगा, नहीं तो तुम्हारे पास बहका भी हूँ पटरी से हटा के लेके चले जाते, शैतान की पटरी पर गाड़ी लगा देते तुम तुम्हारी, फिर बाद में क्या होगा, दीन भी गया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, सब बर्बाद होगा। इसलिए ये सब बहुत सारे बातें बोलने को क्या बोलूंगा, बस सिर्फ इतना बोलूंगा, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, हदीस और कुरान का मामूल बनाओ घर में पढ़ने का, और नमाज 5 टाइम की पढ़ने की पाबंदी करो। जब तुम नमाज की पाबंदी करोगे तो खुद ब खुद तहारत से रहेंगे, खुद ब खुद वजू से रहेंगे, तहारत का मामूल तुम्हारा बनेगा, उसके बाद वजू का बनेगा मामला, फिर उसके साथ साथ तुम इबादत में 24 घंटे तुम्हारा दिल दिमाग इबादत में लग जाता, फिर इबादत इबादत, और एक बार आदत होगी तो फिर ऐसा बेचैनी होती दिल को, अगर इबादत नहीं होती, इबादत कुछ बाकी कुछ बाकी। इसलिए एक बार बढ़ो तो सही, आगे तो बढ़ो, बढ़ो तो सही, और अगर तुम पे जादू चल गया तो बाद में इबादत के नजदीक नहीं जानते, फिर ऐसी बेचैनी होती, नहीं जानते नजदीक। और पहले से मामूल रखो, अगर तुम एक टाइम की भी नमाज का तुम्हारे एक सेकंड भी ऐसा बढ़ रहा आगे जा रहा, तुम कजा तो छोड़ दो, टाइमिंग खाली जमात की टाइम आगे पीछे हो रही, तुम्हारा दिल ऐसा धक 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 करता, नहीं मेरे नमाज का टाइम हो रहा, नहीं मेरे इसका टाइम हो रहा, मेरे कुरान पढ़ने का टाइम हो रहा, तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारा रूह खुद खींच के ले जाकर तुम्हारा इबादत करने लगा, आदत हो जाती है उसके बगैर तुम्हारे को। जैसा तुम सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने को भागता, टोटा खाने वाला टोटा खाने को भागता, जो भी शौक पानी करने वाला उसको शौक करे तक कैसा बेचैनी होती नहीं रह जाता, वैसा इबादत का शौक पैदा करो, इबादत का। तो
तो इबादत का शौक जब तुमको पैदा हो जाएगा तो तुम कैसे बेचैनी होंगी फिर। सेम वही थी, सिगरेट पीने वाले कैसे बेचैनी होगी, सिगरेट नहीं पिया तो, टोटा खाने वाले कैसे बेचैनी होगी, टोटा नहीं पिया तो, वो जो खाया तो सब वैसे बेचैनी होती फिर इबादत करने वाले को अगर इबादत नहीं मिली तो। इस वास्ते इबादत का शौक पैदा करो तो ये सब बातों से महफूज रहेंगे, दुनिया भी बनेंगी आखिरत भी बनेंगी। मैं ये जो बातें बोलता कोई किताब में पढ़ के कहानियां किससे नहीं सुनाता, मैं प्रैक्टिकल में जो देखा और दुनिया को जो दिखाया मैंने वो बताता मैं, और मैं इसलिए बताता कि सारी इंसानियत का भला हो, भला तुम्हारे भले का। तो मैम ये कोई गरज नहीं है जो बैठ के 18-18 घंटे और 17-17 घंटे बैठ कर लोगों की खिदमत करना, वो अल्लाह ने चुना, अल्लाह के दास्तान खुल के जाने दो, राह फी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पे अल्लाह के बंदों की मदद कर रहे। वरना मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, इतना सब होने के बावजूद, हायर एजुकेशन हासिल करने के बावजूद ये सब बैठे, ये अल्लाह ने जो काम ले रहा वो अल्लाह का काम करते बैठे। यहाँ तक कि मेरे पुराने वीडियो देखो, मेरे पुराने वीडियो में मैं मांडी डाल के बैठता था, और आज मैं जो बैठा कई सालों से 17-17, 18-18 घंटे जमीन, तो ऐसा दौर आ गया कि अब मैं मांडी डाल के बैठने नहीं आ रहा। ये खिदमत है खल्क, इसको बोलते हैं अल्लाह के लॉ में मिट जाना और फना हो जाना। तुम लोगों को क्या मालूम, जिसको जो समझ गया वो सब समझ गया, जो नहीं समझा वो फिर शैतान का साथी, फिर शैतान के साथ में मिल के अनापने में चले गया। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे।